नमस्कार दोस्तों, पोल्ट्री इंडिया टीवी चैनल में आपका रोज की तरह हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं अमित नागपाल। हम आपको डेली देते हैं पोल्ट्री के रेट, जिसमें अनाज के रेट और चिक्स के रेट भी हम आपको रेगुलर देते रहते हैं। और आज का मुद्दा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, उस पर कितना खर्च आता है, उसमें कितनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, आपकी तरफ से इसमें क्या लगाया जाएगा और कंपनी की तरफ से इसमें आपको क्या सहूलियत मिलती है और कितनी पेमेंट मिलती है। आपको मैं तीन शीट दिखाता हूँ, तीन पोल्ट्री फार्मर का आंकलन करेंगे और बताएंगे कि इनको कितना कितना पैसा मिला। पहले पोल्ट्री फार्मर को मिला 6 रुपये 41 पैसे पर केजी, दूसरे पोल्ट्री फार्मर को मिला 5 रुपये 22 पैसे पर केजी, तीसरे पोल्ट्री फार्मर को मिला 6 रुपये 35 पैसे पर केजी। मेरा आपसे निवेदन है कि कभी भी आपको पोल्ट्री के रेट चाहिए हो या पोल्ट्री से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए हो, आप YouTube पर पोल्ट्री इंडिया टीवी लिखें और उसको आप सर्च करें। ये सर्च करने के बाद जो ये पोल्ट्री इंडिया टीवी आ जाएगा, इसमें अपलोड में ही आपको ताज़ा अनाज के रेट, चूज़े के रेट ताज़ा, और ब्रॉयलर और अंडे के रोज के रेट आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आपको ये रेट अपने मोबाइल पर ही चाहिए तो आप ये सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल बजा दें तो आपके मोबाइल पर ही आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब चलते हैं पहले पोल्ट्री फार्म के कमाई की तरफ। पहले पोल्ट्री फार्मर को जो ये 6 रुपये 41 पैसे और दूसरे को 5 रुपये 22 पैसे ये और तीसरे को 6 रुपये 35 पैसे ये पर केजी मिला है, जिसमें तीसरे फार्मर का आप देखिए कि उसको जो पेमेंट आई है 71,137 रुपये की पेमेंट आई है TDS काट कर, और जो लगभग 40 दिन की उसको ये कमाई है उसकी। अब आप देखिए, पहले पोल्ट्री फार्मर ने डाले 6,434 डाले नहीं, ये चूज़ा जो है कंपनी की तरफ से ही आया है। अब शुरुआत में कर लेता हूँ कि इंटीग्रेशन है क्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या, फिर उसके बाद हम चलेंगे मुद्दे पर कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और इंटीग्रेशन में मुनाफा कितना है और क्यों हर पोल्ट्री फार्मर का मुनाफा अलग अलग होता है और इसमें पेनल्टी क्या होती है। ये सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। निवेदन है कि वीडियो पूरी देखिएगा, बीच में आप छोड़ देंगे या स्किप करते रहेंगे तो जो खास जानकारी अगर छूट गई और कल को आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कहीं जो है ज़रूरत पड़ी गई तो फिर आपको पूरी बातें पता नहीं होंगी। तो होती क्या है इसमें, जो चिक्स है, चूज़ा है, वो तो आपको जो कंपनी है जिसके लिए आप फार्मिंग कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हैं या इंटीग्रेशन कह लें इनको, तो चूज़ा आपको कंपनी की तरफ से मिलने वाला है। जो बर्ड मरेंगे, क्योंकि पोल्ट्री फार्म पे कुछ ना कुछ बर्ड मर भी जाते हैं, ये हमेशा देखा है, कुछ ना कुछ बर्ड जरूर मर जाते हैं, जो बर्ड मरेंगे उसकी जिम्मेदारी कंपनी की रहेगी। उसमें एक पेनल्टी सिस्टम है, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। और इसके अलावा कितना फीड बर्ड ने जो खाया इसकी जानकारी कंपनी रखती है, और वो फीड जो है वो भी कंपनी की तरफ से ही दिया जाता है। चूज़ा फीड कंपनी की तरफ से आ गया। इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो कॉस्टिंग है, मान लीजिए आपके फार्म पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपने कर रहे हैं और वहाँ पर कोई डॉक्टर आता है या कोई विजिट करने आता है, आपके बर्ड की देखभाल कोई करने आता है, तो वो खर्चा भी कंपनी का होगा, इसमें आपका कोई फीस का या किसी तरह का कोई खर्च नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं जो मेडिसिन, क्योंकि किसी भी पोल्ट्री फार्म पर मेडिसिन तो लगनी ही लगनी है, ये एक 100% मान लीजिए रूल कि कुछ ना कुछ खर्चा तो आएगा ही आएगा। जो मेडिसिन लगेगी वो भी कंपनी की तरफ से होगी। अब आप कहेंगे कि फीड भी कंपनी ने माफ़ कीजिएगा, अब फीड भी कंपनी का, चूज़ा भी कंपनी का, दवाई भी कंपनी की, एडमिनिस्ट्रेशन भी सारा जो है कंपनी का खर्चा है। अब आप सोचेंगे कि इसमें मेरे को पैसा क्यों दे रही है ये कंपनी। कंपनी आपको दे रही है आपके पोल्ट्री फार्म आपका है या आप किराए से लें, उससे कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उनको ही ज़्यादा प्रेफर करती है जिनके अपने पोल्ट्री फार्म हैं या थोड़े बड़े पोल्ट्री फार्म हैं, तो या उससे कंपनी को फ़ायदा होता है कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट है वो कंपनी की काफ़ी कम हो जाती है। दूसरा, बिजली का जो बिल है वो भी आपको पे करना है, कंपनी आपको कुछ भी नहीं देने वाली उसके लिए। तीसरा, पोल्ट्री फार्म जब आप चलाएंगे तो वहाँ लेबर, मेहनत, मैनेजर आप हो गए मान लीजिए, लेकिन वहाँ पोल्ट्री फार्म पे काम करने के लिए वहाँ लेबर की व्यवस्था या मेहनत की जो व्यवस्था है वो भी आपको करनी, और खर्चा आपको करना है लीटर का, जिसको हम
टेक्निकल लैंग्वेज में लीटर कह लें या हिंदी में उसको बिछावन कह लें, ये चावलों का छिलका होता है या लकड़ी का बुरादा होता है, इसको ज़मीन पर डाल देते हैं और बर्ड को उस पर पाला जाता है। और छोटे मोटे खर्चे जैसे अखबार का, इसके अलावा थोड़ा ब्रूडिंग का, कई बार बर्ड को पालने के लिए थोड़ा उसको गर्मी की व्यवस्था करनी पड़ती है, ये खर्चा भी आप ही को करना होता है। लेकिन इसके बदले में जो बिछावन शुरुआत में है, जो खाद का रूप ले लेती है, वो भी बिक जाती है। तो अब वो जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कंपनी आपके साथ करती है वो खाद नहीं लेती, खाद वो आप ही की होती है। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली जो कंपनियां हैं वो कौन कौन से पैरामीटर जो हैं डिमांड करती हैं। आप चार्ट देख लीजिए, ये इसमें कितने बर्ड आए, 6434 बर्ड एक पोल्ट्री फार्म पर आए और 264 बर्ड मर गए, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में मोर्टैलिटी कह लें। और 264 बर्ड जो मरे, इसका एक परसेंटेज निकाल लेते हैं कि 4.10% बर्ड मर गए। 6434 में 264 बर्ड मरे तो 4.10 ये मोर्टैलिटी परसेंट आ गए। जीवित कितने रहे जो बच गए, 95.90। ये पैरामीटर क्यों है? ये पैरामीटर इसलिए हैं कि कंपनी इसे जजमेंट लगाती है कि पोल्ट्री फार्मर को कितना मुनाफा देना है या उसको कितने पैसे देने हैं। अब दूसरा जो पैरामीटर इनका है वो है FCR। देखिए, पहला पैरामीटर तो हो गया मोर्टैलिटी, मतलब मृत्यु दर कितनी हुई, बहुत कम होती है तो उस हिसाब से पेमेंट ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा मोर्टैलिटी होती है तो उस हिसाब से पेमेंट कम मिलेगी। दूसरा जो पैरामीटर है वो है FCR, फीड कन्वर्जन रेशियो। अब फीड कन्वर्जन रेशियो का जो FCR, अब यहाँ देखिए इनकी आई है 1.805। ये कहाँ से आई? जितना इन्होंने फीड खाया बर्ड ने और जितना वजन दिया। फीड जितना खाया 27,400 किलो, ये उदाहरण है, ये हर फार्म का अलग होता है बर्ड के हिसाब से और उम्र के हिसाब से, डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ बर्ड से तो ये आया 1.805। ये आई FCR, ये बहुत अच्छी FCR मानी जाती है। 2.5 किलो के लगभग का बर्ड है, लगभग 2.5 किलो का बर्ड FCR दे रहा है 1.805 की, ये बहुत अच्छी बात है। और चिक्स की कॉस्ट वो उनकी है, उन्होंने लगाई। फीड की कॉस्ट उनकी है, वो उन्होंने अपनी लगाई। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वो उनकी है, उन्होंने लगाई। मेडिसिन कॉस्ट वो भी उन्होंने जो है अपना खर्च उन्होंने खुद उठाया। अब उन्होंने आपको क्या दिया? उन्होंने दो पैरामीटर अपनाए, एक पैरामीटर FCR और मोर्टैलिटी का, और आपको दिया 6.41 रुपये पर kg। अब आप ये देखिए कि इसमें 15,178 किलो पूरे, लगभग पूरे के पूरे जो फार्म के जो बर्ड थे उनका वजन आया। 6.41 रुपये के हिसाब से पोल्ट्री फार्मर को पैसे मिले और ये आया लगभग 97,290। अब आपको मैं एक और पोल्ट्री फार्मर जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है उसका आप देखेंगे तो उसको मिला है 5.22 रुपये पर kg और उसको जो अमाउंट बनी है 30,454। अमाउंट को भूल जाइए, वजह क्योंकि इसके बर्ड कम हैं और वो अलग वजह, लेकिन इनको 5.22 रुपये मिला। उस पहले पोल्ट्री फार्मर को मिला 6.41 रुपये, तो इसको 5.22 रुपये क्यों मिला? उसकी वजह आप देखिए, इस पोल्ट्री फार्म पे मोर्टैलिटी मतलब मृत्यु दर जो बर्ड मरे वो बहुत ज़्यादा मरे। पुराने पोल्ट्री फार्म की बात करें वहाँ 4% के लगभग मृत्यु दर थी जो बर्ड मरे थे, यहाँ 7.46 की जो है मोर्टैलिटी हुई। और FCR की बात करें, यहाँ FCR जो आप देखिए 1.707, FCR जितनी नीची होगी उतनी अच्छी मानी जाती है, मतलब बर्ड ने बहुत कम फीड खाया। अब यहाँ पर आप देखें कि जो मेडिसिन कॉस्ट है वो 3,000 के लगभग है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 6,000 के लगभग, लेकिन वो आपको पैसे इस चीज़ के दे रहे हैं कि आपकी मोर्टैलिटी कम हो और FCR बेहतर आए। FCR यहाँ बेहतर है, लेकिन यहाँ पे जो बॉडी वेट है 1.990 मतलब 2 kg के, जो पहले फार्म की बात की थी वहाँ पे बर्ड 2.5 किलो के लगभग था, यहाँ 2 किलो के लगभग है। तो 2.5 किलो के बर्ड की FCR उतनी अच्छी नहीं आती जितनी 2 किलो के बर्ड की आती है। 2 किलो के बर्ड की FCR 1.707 वो ओके है, और जहाँ 2.5 किलो का था वहाँ वो 1.8 के लगभग आ रही थी, उसमें कोई इशू नहीं है, वो सब कुछ ओके था। दिक्कत है सिर्फ मृत्यु दर में। तो यहाँ पे ये जो पोल्ट्री फार्मर है पैनलाइज्ड हुआ और उसको मिले कम पैसे। अभी मैंने आपको बताया था ये उसको मिले 5.22 रुपये के हिसाब से उसको मिले। अब चलते हैं तीसरे पोल्ट्री फार्मर की तरफ कि उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या कमाया।
ये आप तीसरे पोल्ट्री फार्मर का हिसाब देखिए, उसने कमाया 6 रुपये 35। पहले पोल्ट्री फार्मर ने 6 रुपये 41 पैसे, दूसरे ने 5 रुपये 22 पैसे पर केजी, तीसरे ने 6 रुपये 35 पैसे, और इसकी कमाई 71,137 रुपये हुई लगभग 40 दिनों की। अब इसमें क्या कमी रही कि इसने 6 रुपये 41 वाले से कम कमाया, और क्या अच्छाई रही कि इसने 5 रुपये 22 पैसे पर केजी कमाने वाले से ज़्यादा कमाया। अब देखिए अंतर ऐसा नहीं है, आप एक अंदाज़ा लगाइए, एक पोल्ट्री फार्म पे मान लीजिए 10,000 बर्ड डाले और 2 किलो की एवरेज हुई, 10 × 20,000 kg बर्ड हो गया, 20,000 किलो बर्ड हुआ, अगर 2 रुपये किलो का अंतर आता है तो 40,000 रुपये आपको 40 दिन में घटने वाले हैं, तो पर डे 1,000 का आपको नुकसान होने वाला है। तो वो कंपनी आपसे ये उम्मीद करती है कि आप अच्छी तरीके से बर्ड को ब्रूडिंग करें ताकि मृत्यु दर कम हो, आप बर्ड को अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करें, एक इंसेंटिव प्रोत्साहन देना चाहती है कंपनी आपको। अब इसमें देखिए 6 रुपये 35 पैसे मिला, लेकिन मृत्यु दर इस पोल्ट्री फार्म पर कितनी हुई, वो हुई 5.27% मोर्टेलिटी हुई। इसकी मृत्यु दर 4% से ज़्यादा रही और 7% से कम रही, और इनकी FCR देखें तो वो 1.704 और बॉडी वेट जो है 2.167। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मृत्यु दर एक बहुत अच्छा पैरामीटर इन्होंने रखा है ताकि आप लोग अपने बर्ड की देखरेख, अपना बर्ड की तरह ही इसकी देखरेख करें कि आप बर्ड कम मरेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला, 30-40 हज़ार रुपये का भी अंतर आपको 10,000 बर्ड में पड़ने वाला है कमाई में। पोल्ट्री फार्म आपका, मैनेजमेंट आपका, ब्रूडिंग आपकी, ब्रूडिंग मतलब बर्ड की देखरेख आपकी, उसके बाद पूरी लाइफ टाइम आपकी जब तक बर्ड रहेगा 30 दिन 40 दिन 45 दिन वो आपकी, लेकिन खाद बदले में आपको मिलने वाला है। मुझे लगता है दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, लेकिन कोई भी अगर दुविधा आपके मन में रहती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, और कोई दुविधा नहीं भी रहती तब भी कमेंट बॉक्स में अपना एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर जरूर डाल दें, क्योंकि आने वाले वक्त में हम आपको हो सकता है कि कुछ न्यूज़लेटर भी आपको दें तो वो आपके घर के एड्रेस पे सीधा पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी वीडियो आपने देखी, कल सुबह फिर हाजिर हो जाएंगे नए मुद्दे के साथ और पोल्ट्री के रेट लेकर। धन्यवाद।